सर्दियां शुरू होती हैं तो उससे पहले के गर्मी आए उसके साथ ही मच्छर भी आ जाते हैं और वो जो हमारी जान का अजाब बन जाते हैं। मच्छरों की वजह से हमें तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, सेहत से रिलेटेड और स्किन एलर्जी से रिलेटेड। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए, अपनी स्किन का ख्याल करने के लिए, अपनी सेहत का ख्याल करने के लिए हम तरह तरह के स्प्रे लेके आते हैं, क्वाइल्स जलाते हैं, उससे भी फिर हमें इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो और महंगे महंगे हम बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए जो प्रोडक्ट बनाने वाली हूँ, यानी कि जो स्प्रे बनाने वाली हूँ, ये बहुत ही कम चीज़ों के साथ, आसान सी घर में पड़ी चीज़ों के साथ बनने वाला है और कम पैसों में। ये आपको बहुत महंगा नहीं पड़ेगा, बहुत सस्ता आसान सा है तरीका इसका बनाने का और बहुत सस्ता पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये देखें मेरे पास जो चीज़ें हैं ना, क्या है, टूथपेस्ट है, बेकिंग सोडा है, साथ में मैं इसमें एप्पल विनेगर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, आप इसका स्प्रे बना के रख लें, मैं इसको एक बॉल में, ये चेक करें, बॉल में डाल रही हूँ तो ये कैसे फूल रहा है। ठीक है, तो ये इसका इतना बैड टेस्ट हो जाएगा ना जब ये बनेगा, तो जब हम इसका स्प्रे करेंगे ना, तो ना तो कोई कॉकरोच ठहरेगा, ना कोई आपके घर में जो है ना छिपकली घुसेगी, और उसके साथ साथ मच्छरों का भी बिल्कुल खात्मा हो जाएगा। तो ये वाला स्प्रे जो है ना कम पैसों में बनने वाला है, तो ये मेरी बहनें लाजमी ट्राई करें इससे, और फिर आप देखेंगे कि इसके साथ जब आप स्प्रे करेंगे तो आपकी जो किचन की डस्टिंग भी हो जाएगी, और आप जहां जहां आपका दिल करे वॉशरूम बाथरूम इसके साथ आप स्प्रे करके अपने रूम में स्प्रे करें, छिपकलियां भागेंगी, कॉकरोच किचन में नहीं आएंगे, तो आपके घर की बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी इस स्प्रे से कम पैसों में। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल जो है बहुत ही ज़बरदस्त है अगर आप करें तो। तो ये मैंने इतना बनाया हुआ है, ठीक है, बना के इसको मैं स्प्रे बॉटल में डाल लूँगी, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास स्प्रे बॉटल नहीं है, तो मैं इसको कैसे यूज़ करूँगी, मैं इसको कॉटन बर्ड के साथ यूज़ करूँगी। ठीक है, तो मेरे पास अभी स्प्रे बॉटल नहीं है, इस वजह से आपके पास स्प्रे बॉटल होगी तो आपने क्या करना है, अगर नहीं है तो ऐसे लिक्विड बनाना है तो स्प्रे बॉटल में डाल के आपने इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, आप किचन में इसका स्प्रे कर ले, लेकिन इसके साथ ये है कि इसमें कोई हार्मफुल चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, हमारी सारी यूज़ की चीज़ें हैं, तो ऐसे ही ये लिक्विड बन जाएगा, तो आपने इसका इस्तेमाल करना है स्प्रे बॉटल में डाल के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।